हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LBS। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 6 ऑफ स्टैंडर्ड 8, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। एंड टुडे वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज 6.4 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। सो इफ वी नंबर, देर इज अ नंबर गिवन एंड वी हैव टू एड सम नंबर विच विल गिव्स अस द परफेक्ट स्क्वायर एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू ऑल्सो ऑब्टेन इट्स स्क्वायर रूट। ओके, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा सबसे पहले उसमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नंबर आप ऐड उसमें करो तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, एंड परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 525। सो वी विल अप्लाई द डिवीजन मेथड। 525 विल टेक 2 बिकॉज इट्स अ स्क्वायर इज लेस देन 5। 2 विल राइट हियर एंड ऑल्सो इज हियर। 2 2 ज़ा 4। नाउ 5 माइनस 4 इज़ 1। 25 को भी हम यहाँ राइट डाउन कर देंगे। नाउ 2 प्लस 2 बिकम्स 4। विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, शुड बी मल्टीप्लाई दैट बिकम्स लेस देन 125। देन वी विल टेक 2 ईयर। आपने यहाँ 2 लिया है तो यहाँ भी 2 राइट करोगे। 42 2 ज़ा 84। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 41 एंड वी विल एड ईयर 42 प्लस 2 44। सो यू कैन सी दैट देर इज अ रिमाइंडर 41। एंड द 525 इट इज लाइज बिटवीन द, ये जो आपको नंबर दिख रहा है 22 एंड उसके जस्ट बाद जो नंबर क्या था 23। देयरफॉर दिस नंबर इज लाइज बिटवीन दिस नंबर एंड स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ 23। मैंने इस तरह से आपको राइट करके दिखाया है। 22 स्क्वायर लेस देन 525 लेस देन 23 स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, तो कौन सा नंबर हमको ऐड करना है? तो जो भी आपको पीछे वाला नंबर स्क्वायर मिलता है बड़ा वाला, उसके स्क्वायर में से आपको 525 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 525, दैट बिकम्स 529 माइनस 525 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर आपको क्या मिला, 4 का डिफरेंस मिला। तो अगर आप, यू हैव टू फाइंड इफ यू विल एड 4 इन द गिवन नंबर देन यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने 525 में 4 ऐड किया, दैट इज 529। ना 529 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट्स अ स्क्वायर रूट इज 23, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। सो यू कैन राइट इट 4 मस्ट बी एडेड टू गिवन नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 525 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज दैट 7050। वी यूज अप्लाई रीजन, दिस इज 7050। विच नंबर इज लेस देन 17, द स्क्वायर ऑफ 4। सो वी विल राइट ईयर 4 एंड ईयर इज ऑल्सो 4। 4 4 ज़ा 16, हमने राइट किया। दिस इज सब्ट्रैक्शन इज 1 एंड 50 को भी हम राइट डाउन करेंगे। दिस इज 150, दैट बिकम्स 4 प्लस 4 8। अब 8 है तो कौन सा नंबर आप यहाँ पर राइट करोगे जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 150 से छोटा है? तो 1 ही रखेंगे, 2 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। सो 81, यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखोगे। 81 1 ज़ा 81। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 69 और 1 रखा है यहाँ पे, यहाँ भी 1 रखोगे, 81 प्लस 1 82। सो व्हाट इज द रिमाइंडर यार, 69। सो जस्ट मैंने आपको बताया जो नंबर यहाँ पर होता है उसका और जस्ट उसके बाद का नंबर 41 एंड 42 के बीच में, के स्क्वायर के बीच में ये जो नंबर वो लाई करता है। मीन्स वी कैन राइट 41 स्क्वायर लेस देन 7050 लेस देन 42 स्क्वायर। इन दोनों के बीच में नंबर आएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड क्या क्या करते हैं हम, जो लार्जर नंबर होता है उसके स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस कर देते हैं। रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 42 स्क्वायर माइनस दिस नंबर, दैट इज 1764 माइनस 1750, दैट इज 4। सो 1750 यहाँ डिफरेंस कितना है 14 का, तो 1750 में हम 14 ऐड कर देते हैं, दैट बिकम 1764 एंड यू नो दैट 1764 द स्क्वायर ऑफ 42, देन दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट ऑफ 1764 इज 42। देन वी कैन राइट दैट 14 मस्ट बी एडेड टू 7050 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 14 ऐड करते हैं इन द गिवन नंबर देन वी विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, 252। विल अप्लाई द सेम मेथड।
252. Which number is less than the whole square is less than the 2? 1. Then 1 is, we can write 1 here and here. 1 1 is 1. 2 minus 1 is equal to 1. And we will write down 52 here. That becomes 152. 1 plus 1 2 यहाँ write कर देंगे. अब कौन सा number है जो add यहाँ पर write करें जिसका multiplication करने पर इस number से छोटा है. Then हम 5 write करते हैं. 5 यहाँ write गया तो आप यहाँ भी write करोगे. Now multiply 5 in 25. That becomes 125. This is after subtracting we will get 27 and after adding this we will get 30. So you can see that remainder is 27. And then this number is lies between 15 square and 16 square. मैंने जस्ट बताया कि ये और इसके बाद जो नंबर आता है 16 वो उनके स्क्वायर के बीच में नंबर लाई करता है. सो दिस इज 15 स्क्वायर लेस देन 252 एंड लेस देन 16 स्क्वायर. देन वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड. हमको कौन सा नंबर एडिट करना है वो आपको पता है. जो ग्रेटर नंबर था उसके स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे. 16 स्क्वायर माइनस 252 दिस इज 256 माइनस 252 इज इक्वल टू 4. Then we will add 4 in the given number. That becomes 252 plus 4 is equal to 256. ये perfect square मिल गया हमें. अब इसका root find करते हैं. Root of 256 is 16. So what can you say about it? If 4 must be added to the given number 252 to get a perfect square number. तो अगर 252 में हम 4 add करते तो हमें perfect square मिल जाएगा. Next, 1825. We can write it here. 18 एंड 25 ये दो पेयर बन रहा है. अब 18 से छोटा किसका स्क्वायर होता है 4 का. तो 4 हमने यहाँ राइट किया और यहाँ भी राइट किया. 4 4 जा 16. इफ़ वी सबट्रैक्ट वी विल गेट 2. 25 को भी राइट डाउन कर लेंगे एंड यहाँ 4 प्लस 4 8 हो जाएगा. नाउ विच नंबर वी हैव टू अप्लाई हियर व्हेन वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विल बी लेस देन 225. तो यहाँ 2 राइट करेंगे. यहाँ 2 राइट किया तो यहाँ भी 2 राइट करोगे. अब इस 2 का 82 में मल्टीप्लाई करो. 82 टू जा 164. After subtracting we will get 61. तो यहाँ 2 राइट किया तो यहाँ भी 2 राइट करोगे. 82 प्लस 2 84. यहाँ रिमाइंडर क्या है 61. देन रिमाइंडर इज 61. देन दिस नंबर लाइज बिटवीन 42 स्क्वायर एंड 43 स्क्वायर. सो यू कैन राइट 42 स्क्वायर लेस देन 1825 लेस देन 43 स्क्वायर. सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे. 43 स्क्वायर जो ग्रेटर नंबर है उसके स्क्वायर में से 1825 को सबट्रैक्ट करते हैं. This becomes 1849 minus 1825 is equal to 24. So 1825 in the given number, if we add 24, we will get 1849, which is a perfect square of 43. So root of 1849 will be 43. Then you can say that 24 must be added to 1825 to get a perfect square. Agar hum 1825 mein 24 add karte hain, to ek perfect square mil jayega. नेक्स्ट 6412 विल राइट हियर. ओके दिस इज 64 एंड 12 टू पेयर्स आर हियर. सो विच नंबर वी हैव टू अप्लाई और राइट हियर विच इज हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और लेस देन 64. तो हम 8 राइट करते हैं तो उसकी वैल्यू 64 के इक्वल है. सो यू कैन राइट 8 हियर एंड हियर. 8 एट जा 64 विल गेट 0 एज सब्ट्रैक्शन. 12 को राइट डाउन करते हैं. अब 8 प्लस 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा. 16 के टेबल में तो 12 आने आने लिए बट उसके एक्स्ट्रा भी हमें एक नंबर यहाँ पर ऐड करना होता है साइड में. तो कौन सा नंबर ऐड करें जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो उसका नंबर 12 से छोटा है. तो 0 है 160 हो जाएगा यहाँ पर 0 अप्लाई करने पर और यहाँ भी 0 अप्लाई करने. तो 0 का मल्टीप्लीकेशन 160 के साथ. तो 160 इंटू 0 0. इफ़ यू सबट्रैक्ट देन यू विल गेट 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. और 160 में आप 0 ऐड करते हो यू विल गेट 160. What is the remainder here? 12. So this number is lies between 1880 square and 81 square. And we will write it as 80 square less than 6412 less than 81 square. What is the required number to be added? So greater number में से हमको ये greater number के square में से हमको given number subtract करना. 81 square minus 6412. This is 6561 माइनस 6412 इज इक्वल टू 49. अब 149 को अगर हम 6412 में क्या करते हैं ऐड करते हैं हमें क्या नंबर मिलेगा 6561 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 81. ओके
एंड आफ्टर फाइंडिंग इट्स स्क्वायर रूट वी विल गेट 81. इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो तो क्या मिलेगा 81. सो एट लास्ट वी कैन से दैट इफ 149 मस्ट बी एडेड टू 6412 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, इसमें हम 149 ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. सो गाइज योर क्वेश्चन इज कम्प्लीट हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.